हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं मनीष गहलोत आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का जो ट्रिकी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसका एम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग दी एस्ट्रिक ऑपरेटर, इट मींस दी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि हमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, बट हमें एस्ट्रिक जो ऑपरेटर है उसका यूज में नहीं करना है। ओके, विदाउट यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर हमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। देन प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो हेडर फाइल्स है फ्रेंड्स, वो हम यहां पे इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। देन वी स्टार्ट विद द मेन और ये हमारा मेन का स्कोप। ओके, फ्रेंड्स कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर लेते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। पहले तो हम दो नंबर ले लेते हैं, दो वेरिएबल ए और बी, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट्स से मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा। ओके, और हमें फ्रेंड्स एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, ठीक है। नाउ अब हमें यूजर से क्या लेना है, दो नंबर लेने हैं जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है। ओके, सो यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे, स्लैश एन एंटर द टू नंबर्स। ओके, एंटर द टू नंबर्स, और इन दोनों नंबर को फ्रेंड्स हम स्कैनएफ करवाएंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक लगाना है, बट हमें एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज में नहीं लेना है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट से हमें कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए पहला नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 5, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, ओके, एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज में नहीं करना है। तो एक जनरल स्ट्रेटेजी क्या है कि आप जो फर्स्ट जो नंबर है, ठीक है, उसको 5 टाइम्स आप ऐड कर दीजिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 4 + 4 + 4 + 4 और + 4, 5 बार मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 20 आया, और एक्चुअल में यही दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। बट पहले क्या करना है, एक कंडीशन हमें लगानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा जो सेकंड जो नंबर है, ठीक है, जिसको हमें जितनी बार क्या करना है, एडिशन करना है, वो टाइम्स डिसाइड करेगा कि हमें कितनी बार उस नंबर को जो है ऐड करना है। ओके, तो एक तो ये है कि अगर वो जो है 0 से छोटा है, ओके, तो क्या करना है हमें, उस नंबर को एक तो पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगा उसको, और दूसरा जो हमारा जो नंबर है ए, उसको भी क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। इसका लॉजिक क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मान लीजिए वो ये तभी करना है कि जब हमारा जो बी जो है, सेकेंड जो नंबर है, वो कैसा हो, एक नेगेटिव नंबर हो, तभी हमें उसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, अदरवाइज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि लेट से आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, मान लीजिए 4 और 5, अब जो ये दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, आप क्या करिए इनको, जैसे 4 को आप 5 टाइम्स ऐड कर दीजिए, नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लूप चलाना है। ओके, लूप मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं आई, उसको हमने ले रखा है उसको, और इसको इनिशलाइज कर देंगे 1 से। हमें फ्रेंड्स चलना कब तक है, मतलब कंडीशन कब तक अप्लाई करनी है, जितना जो है सेकंड नंबर होगा उतने तक हमें क्या करना है, लूप को चलाना है, और मेरे को हमेशा क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है आई में, ठीक है। दिस इज द स्कोप ऑफ द फॉर लूप। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको उतने ही टाइम्स क्या करते रहना है, ऐड करते रहना है, किस वेरिएबल में, जो हमारा थर्ड जो वेरिएबल है मल्टीप्लीकेशन वाला, उसमें ऐड करते रहना है। सो मल्टीप्लीकेशन MUL वेरिएबल, MUL प्लस ए, ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया। अभी जो है MUL वेरिएबल में कोई गार्बेज वैल्यू है, तो हम इसको इनिशलाइज कर देंगे, किससे, 1 से इनिशलाइज कर सकते हैं या 0 से भी कर सकते हैं, इसको हम 0 से इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया इसको, ओके, और फाइनली जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास में क्या होगा, जो दो नंबर है ए और बी, इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हमारे सामने होगा। तो लूप के एग्जीक्यूशन के बाद में मैं MUL जो वेरिएबल है इसको प्रिंट करवा देता हूँ, स्लैश एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स
परसेंटेज डी कॉमा, और वो जो रिजल्ट है हमारा एम यू एल वेरिएबल में है, और दिस इज अ सेमी कॉलन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट होता है। ओके, अब जो है मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करवाते हैं, देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, सो हमें दो नंबर देने हैं फ्रेंड्स, मैं दो नंबर यहाँ पे देता हूँ, मान लीजिए पहला नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 5। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स क्या आ गया हमारे पास में, 20 आ गया। ठीक है, अभी जो मैंने दोनों नंबर जो दिए हैं फ्रेंड्स वो कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है। ओके, अब मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर देता हूँ। सो फर्स्ट जो वेरिएबल है मेरा वो मैं एक नेगेटिव नंबर देता हूँ, लेट्स से माइनस का 2, और सेकेंड नंबर देता हूँ मैं एक पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर तो इफ़ वाली कंडीशन अप्लाई होगी भी नहीं, क्योंकि जो वेरिएबल जो बी है वो एक कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो माइनस 2 जो है वो 5 टाइम्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, माइनस 2 जो है वो 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया कितना, -8। -2 -2 -2 और -2 चार बार ऐड होगा तो क्या होगा, माइनस का 8 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं जिसमें फर्स्ट नंबर जो है, अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर नेगेटिव लिया था और सेकंड नंबर पॉजिटिव लिया था। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट नंबर को देता हूँ पॉजिटिव और सेकंड नंबर देता हूँ मैं नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी जो ये इफ जो कंडीशन है जो मैंने अभी यहाँ पे जो अप्लाई की है, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं साइड स्क्रीन में, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो वेरिएबल जो बी है मेरा, सेकंड जो वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और वेरिएबल जो ए है अब ये नेगेटिव हो जाएगा। होगा क्या कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट वाली कंडीशन, अभी जो इसके जस्ट जो पहले वाली कंडीशन है वो मैंने आपको बताई थी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस 4 का क्या होगा, 2 टाइम्स एडिशन हो जाएगा, तो माइनस 4 और माइनस 4 कितना बन जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, तो इफ कंडीशन मैंने क्यों लगाई है शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका लास्ट केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें मैं दोनों नंबर को क्या लेता हूँ, मैं नेगेटिव लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस दोनों नंबर को क्या ले लूँगा, नेगेटिव लूँगा मैं। तो मान लीजिए पहला नंबर लिया मैंने माइनस 4, एक नेगेटिव लिया, दूसरा भी मैंने क्या लिया, नेगेटिव नंबर लिया। तो अभी भी क्या होगा कि इफ केस जो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है अगर वो माइनस है दोनों, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एक मैथमेटिक्स का रूल है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जब हो गया तो जब से ही इफ कंडीशन के बाहर आएगा तो अब नॉर्मली 4 का जो है 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आप देखें कि रिजल्ट क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज 8। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे केस जो हैं वो एग्जीक्यूट करके बता दिए कि नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसे हो, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो सेकेंड नंबर नेगेटिव हो, ये सारे केस हमने देखे। तो आपने देखा कि कैसे दो नंबर्स का हम जो है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दी एस्ट्रिक और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस ट्यूटोरियल से आपको जो हमारा जो आज का कंसेप्ट है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग दी एस्ट्रिक ऑपरेटर, ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।